हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीटर ब्रिज की। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीटर ब्रिज क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी एप्लीकेशंस, उसके प्रिकॉशंस एंड कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ का वीडियो। सबसे पहली चीज तो ये मीटर ब्रिज होता क्या है। दोस्तों मीटर ब्रिज एक आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वायर है, इस वायर का मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मीटर ब्रिज की मदद ले सकता हूँ। तो मीटर ब्रिज हमको क्या करेगा, इसके अंदर हेल्प करेगा। अब इसकी अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मीटर ब्रिज जो होता है ना आपका, बिल्कुल डिक्टो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे क्या करेगा, काम करेगा। जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है सेम टाइप से आपका क्या होता है, मीटर ब्रिज भी होता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया है लास्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आता है तो मीटर ब्रिज आपके लिए चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, यहाँ पर उसके चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, पी क्यू आर एस इनको हम बोलते हैं। बीच में हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इसको मेटल से कनेक्ट कर रखा है। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ना, इसकी बैलेंस कंडीशन में पी बाय क्यू का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, आर बाय एस के बराबर। बैलेंस कंडीशन क्या होती है कि जब आपका करंट गैल्वेनोमीटर का कितना हो जाए, जीरो। जब जब भी गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होगा तो हमारी कंडीशन जो होगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पर बैलेंस कंडीशन। अभी गैल्वेनोमीटर का करंट देखिए जीरो कब होगा, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट का और इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। बिकॉज दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही इस पॉइंट का, लेट कॉल दिस पॉइंट बी, इस पॉइंट को हमने बोला डी, तो बी और डी के डी का जो पोटेंशियल है वो अगर सेम हो जाए तो यहां पर करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पी बाय क्यू का जो रेशियो वो किसके बराबर होता है, आर बाय एस के बराबर होता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि कैसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के फंडे पर मीटर ब्रिज काम करता है। मीटर ब्रिज का काम क्या है दोस्तों, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। अब मान लीजिए कि चार रेजिस्टेंस में से मेरे पास कोई एक रेजिस्टेंस लेट से अननोन है, लेट से कि जो एक्स है ना, ये मेरा क्या अननोन रेजिस्टेंस है, एस, ठीक है। तो ये लिखा मैंने यहां पर क्या, एक्स। नाउ अगर मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, पी आर और क्यू की वैल्यू। अगर मुझे इन तीनों की वैल्यू पता है तो मैं यहां से एक्स बड़ी ही आसानी से निकाल सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू अपॉन में पी, सिंपल है ना, ठीक है। तो अगर मुझे इन चारों में से कोई तीन की वैल्यू पता है तो चौथे की वैल्यू क्या कर सकता हूं, मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। इसी को निकालने के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसका, मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज में हम ये जो वैल्यूज है इसको बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, इन तीनों की वैल्यू को हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए मीटर ब्रिज जो होता है इसके अंदर आपकी यहां पर क्या होती है, कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, इस तरह से यहां पर एक वुडन ब्लॉक होता है, उसके ऊपर इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉपर की स्ट्रिप्स को लगाते हैं। कॉपर मतलब क्या है, यहाँ पर आपका एक कंडक्टिंग स्ट्रिप्स है, ये आपकी स्ट्रिप्स हो गई, ठीक है। ये कहां पर रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक के ऊपर। इस स्ट्रिप के ये जो दो एंड्स है, ये जो एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेट कॉल दिस पॉइंट ए एंड इसको हमने बोला सी, इसके बीच में एक वायर कनेक्टेड होता है कॉन्स्टेंट टर्न का। कॉन्स्टेंट टर्न का प्रॉपर्टी ये होता है कि यहाँ पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई। तो हमको एक ऐसा वायर चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, हाई। ये जो वायर होता है ना, इसका लेंथ होता है आपका 1 मीटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। अब ये यहां पर हम लोगों ने क्या लगा रखी, कॉपर स्ट्रिप्स, और ये जो दो पोर्शन यहां पर खाली होते हैं ना, इसमें कनेक्ट होता है। एक पोर्शन में कनेक्ट होगा आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर आपका एक डिवाइस होता है जिसमें से आप किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह का कुछ आपके पास एक डिब्बा होगा और इसमें ऐसे कुछ प्लग्स होंगे आपके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस प्लग को अगर मैंने निकाला तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट से 10 ओम का रेजिस्टेंस था, तो यहां पर 10 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, सेट। ये वाला जो खाली पोर्शन होता है इसके अंदर हम लोग लगाते हैं हमारा अननोन, जिसकी हमको क्या निकालना है, वैल्यू। तो लेट्स से कि एक्स मेरा क्या है, यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है, एक वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब ये जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, जो बीच है, पूरी आपकी स्ट्रिप है कॉपर की, तो ये जो बीच मिडिल वाला पॉइंट है, यहां से हम एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, जॉकी से। जॉकी इज जस्ट लाइक अ पेन, पेन जैसा होता है, इसको हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर टच करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बना। देखो एक रेजिस्टेंस नोन है आर, ये रहा, ये हमारा नोन था, इसको यहां लगाया। अब ये पी और क्यू रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होगा, देखिए यहां पर क्या वायर कनेक्टेड है, और वायर का अपना क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है आर इज इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाय। तो इस वायर का अपना क्या एक रेजिस्टेंस है। अब हमको किस फंडे पे काम करना है, हमको इसके बैलेंस कंडीशन पे काम करना है। बैलेंस कंडीशन मतलब क्या, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, और बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का करंट कितना होना चाहिए, जीरो। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इस सर्किट के अंदर एक बैटरी को कनेक्ट करता हूं, बैटरी क्या करेगी, यहां पर देखो करंट का सप्लाई, तो जब ये करंट इसके अंदर फ्लो करना चालू होगा, हम किस पे आ गए हैं अभी, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें, तो जब ये करंट यहां से इसके अंदर क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट होगा,
तो ये जो वायर है ना, इसका अपना क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका लेंथ के। तो जब इस वायर में से कुछ करंट आपका फ्लो होगा, कुछ इधर फ्लो होगा, ठीक है, तो जब इस वायर में से कुछ करंट फ्लो होगा, तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू कितना होता है आपका आई आर, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, कुछ वोल्टेज डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर अगर पॉइंट को टच किया, तो इतने के करस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज हमारा होगा। फिर अगर आपका जो पॉइंट है वो कहीं दूर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या होगा आपका वोल्टेज, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ के साथ चेंज होगा। तो जब मैं, लेट्स से कि मैंने सबसे पहला काम क्या करा, मैंने इस गैल्वेनोमीटर को यहां पर टच कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो, अब देखो अगर सर्किट को आप ध्यान से देखो, तो गैल्वेनोमीटर को अगर आपने यहां पर टच किया, तो ये इधर वाला पोर्शन आपका एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इधर वाला पोर्शन एक सेकंड रेजिस्टेंस की तरह यहां पर क्या करने वाला, एक्ट करने वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा पी और क्यू के फॉर्म में क्या होगा कन्वर्ट, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर पार्ट का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, और जब इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल। और जिस पॉइंट पर यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, वहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब कि वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस कंडीशन, और हमको उसी को निकालना, ठीक है ना। तो यहां पर लेट्स से कि मेरा जो पॉइंट है उसको मैंने यहां पर टच किया, और यहां पर मुझे क्या मिलता है, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर का करंट कितना, जीरो। तो लेट्स से कि ये एल लेंथ के ऊपर मिल रहा है, कहां से, ए से, तो बची हुई लेंथ कितनी हो गई आपकी 100 माइनस एल, बिकॉज टोटल लेंथ कितनी इसकी 100 सेंटीमीटर, तो बची हुई लेंथ कितनी हो गई आपकी 100 माइनस एल। नाउ हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहां पर इस अननोन की वैल्यू। तो अभी हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में चले गया, हमको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, बैलेंस कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर की जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे, और जिस पॉइंट पर हमको करंट जीरो मिल जाएगा, वो हमारा बैलेंस पॉइंट। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज का हमको ध्यान रखना है, कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सबसे पहला काम तो हमको इस जॉकी को इस एंड पर ए के पास में कनेक्ट करना है, और एक बार इधर कनेक्ट करना है। तो लेट्स से कि ए के पास जब आपने कनेक्ट किया, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है, लेट्स से वो इस डायरेक्शन में आया, और जब इस कॉर्नर पे गया, तो डिफ्लेक्शन आपका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी आपका जो सर्किट है वो सही होगा, अदरवाइज यहां पर आपका आंसर गलत आ सकता है। तो इस चीज को आपको यहां पर चेक करना, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि एल लेंथ के ऊपर आपको क्या मिल गया, बैलेंस पॉइंट मिल गया। तो हमको पता है कि पी बाय क्यू का जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है, आर बाय एस। तो लेट कॉल दिस रेजिस्टेंस पी, और इसको हमें क्या बोलते हैं, यहां पर क्यू, ठीक। तो ये जो ए बी का रेजिस्टेंस है, उसको हमने क्या बोला, यहां पर पी। अब देखिए, ए बी का रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपल, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी का रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, एल लेंथ है, तो रो एल अपॉन ए, फिर आर बी सी, बी सी ये वाली लेंथ का कितना होगा, देखो रो लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल अपॉन में ए, ठीक है ना। एरिया दोनों केस में सेम है, क्यों, क्योंकि देखो एक वायर है ना, तो उसका एरिया कौन सा कंसिडर किया जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यहां पर सर्कुलर है, ठीक है, तो एरिया दोनों का सेम है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो दोनों जो वायर को हमने यहां पर टच किया है, तो जो ये वाला पार्ट का जो मटेरियल है, वही तो इसका भी मटेरियल है ना। तो यहां पर रो भी क्या है आपका, यहां पर सेम, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा है यहां पर। अब देखिए, पी बाई क्यू इक्वल टू, अगर हम आर बाय एस यहां पर लगाने जाते हैं, तो पी की जगह हम क्या बुक करने वाले, आर ए बी, और क्यू की जगह हम क्या बुक करेंगे, आर ए सी। तो देख लेते हैं, चलो फटाफट से, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता है, ठीक है। पी की जगह हम क्या पुट कर दिए, रो एल बाय ए, क्यू की जगह हमने क्या पुट किया, रो 100 माइनस एल बाय ए इज इक्वल टू आर, ये देखो पी बाय क्यू आर बाय एस, एस की जगह क्या है यहां पर आपका एक्स हो गया ना। देखो अब यहां पर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ठीक। तो यहां पर आपका जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो कितना बच रहा है, एल अपॉन में 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर अपॉन में एक्स। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अननोन। तो अननोन की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको इधर लेकर आए, इसको उधर लेकर आए, तो आर 100 माइनस एल अपॉन एल। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए अननोन को निकालना, अगर हमको सिर्फ बैलेंस लेंथ मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर ले आएंगे। बिकॉज आर को तो हमने सिलेक्ट किया, तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एल हमको कैसे निकालना है, इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर टच करना है, जहां पर भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, बैलेंस पॉइंट। तो उस लेंथ को हमको यहां पर पुट करना है, और इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका पहला जो एप्लीकेशन है, ठीक है, मीटर ब्रिज का, वो क्या था आपका, एक अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करना। नाउ यहां पर हम दो अननोन रेजिस्टेंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर हम इससे रेजिस्टेंस मेजर कर पा रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली इससे टेम्परेचर भी मेजर कर पाएंगे, अगर हमको रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के अंदर रिलेशनशिप पता
हो तो ठीक है। नाउ इसके बाद आती है कुछ प्रिकॉशंस की बात। तो देखिए प्रिकॉशंस यहाँ पर क्या क्या लेना है। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने बताया कि इस पॉइंट को पहले यहां टच करना है, फिर यहां पर दोनों एक्सट्रीमेंट्स के ऊपर, तो दोनों केस में उसका जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, आपका अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, तो ये आपका सर्किट क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरी चीज, यहां पर जो ये कॉपर की स्ट्रिप का यूज किया जाता है ना, ये थिक होना चाहिए। थिक क्यों होना चाहिए, थिक क्यों होना चाहिए, बिकॉज देखिए हमने जो फॉर्मूले में रेजिस्टेंस पुट किया ना, हमने सिर्फ इसका रेजिस्टेंस पुट किया, हमने ये जो कॉपर की स्ट्रिप्स लग रही है इनके रेजिस्टेंस को तो कंसिडर नहीं किया। तो अगर इन कॉपर की स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये आर की जगह पर हमको कुछ आर एस भी पुट करना पड़ेगा। सिमिलरली एस की जगह पर हमको आर एस पुट करना पड़ेगा स्ट्रिप का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर हमको ये जो कॉपर की स्ट्रिप है इसको कुछ इस तरह से बनाना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो, बहुत कम हो, सो दैट कि हमारी रीडिंग को अफेक्ट ना करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है तो रेजिस्टेंस कम होगा। और दूसरी चीज, इसको हम थिक बनाते हैं क्योंकि हमको पता है कि एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, तो इसको हम क्या करेंगे, थिक बनाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज क्या देखना है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना सर्किट के अंदर, वो ज्यादा देर तक फ्लो नहीं करना चाहिए। मतलब जब आपको रीडिंग लेना है तभी आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा, अदरवाइज इसको आप क्या रखिएगा, ऑफ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब यहां इस वायर में से करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के ऊपर यहां पर आई स्क्वायर आर की हीट जनरेट होगी या नहीं, और हीट अगर जनरेट होगी तो हीट जनरेट होने पर इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो ये हमको क्या कर सकता है, गलत रीडिंग दे सकता है। तो तीसरा प्रिकॉशन हमको ये रखना है। एंड फोर्थ हमको यहां पर क्या रखना है कि हमको ट्राई करना है कि जितना हो सके इसके मिडिल में हम क्या करें, बैलेंस पॉइंट को लेकर आए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बैलेंस पॉइंट आपका बिल्कुल इधर आ रहा है एक्सट्रीम में, तो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके इसको कहां शिफ्ट करने का ट्राई करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करने का ट्राई करेंगे। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जितना ये मिडिल में आपको मिलेगा, 35 से 65 हम लोग बोलते हैं जनरली कि 35 सेंटीमीटर टू 65 सेंटीमीटर के बीच में मिलना चाहिए, बिकॉज जितना ये मिडिल में मिलेगा ना उतना एरर आपका रिड्यूस होगा, उतना आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको करेक्ट इंडिकेशन देगा। यही कह लीजिए कि आपका मीटर बीच जो होगा वो आपको सेंसिटिव बन जाएगा यहाँ पर मिडिल पोर्शन में, ठीक है। क्योंकि देखिए मिडिल में क्या होगा ना कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये वायर का जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ वो आपका कॉन्स्टेंट है। तो अगर आप इसके मिडिल में लेकर आते हो तो जितना रेजिस्टेंस इस तरफ है लगभग उतना ही रेजिस्टेंस क्या उस तरफ है, तो यहां पर एरर होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। तो ये काम हमको यहां पर करना रहेगा, ठीक है। अब फटाफट से अच्छा सा इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो जाए। देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपके कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियरिटी आती है, और वही काम हमको करना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, बहुत ही मस्त वाला, ठीक है, बने रहिएगा। तो पेश है आपकी खिदमत में एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम अ बैटरी इफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, अज्यूम द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर एबी इज 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। चलिए तो बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसने क्या बोला है कि हमको इस अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, और कहा क्या इसने कि जो एबी वायर है आपका इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में इसका इतना रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कंडीशन क्या रहती है कि ये ब्रिज हमारा जो है वो बैलेंस है। क्यों बैलेंस है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि नो करंट फ्लो फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में से अगर आपका जो करंट है वो जीरो है, इसका मतलब ब्रिज क्या है आपका बैलेंस, और ब्रिज अगर बैलेंस है तो पी बाय क्यू का रेशियो इसके बराबर होता है आर बाय एस के। तो लेट से कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो वायर है आपका ए से बी तक का, इसका रेजिस्टेंस पी है और इसका रेजिस्टेंस कितना है क्यू, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो ये देखो पी बाय क्यू का जो रेशियो है किसके बराबर होगा, एक्स बाय आर, ठीक है। इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, एक्स बाय आर के बराबर होगा। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, एक्स एक्स इज इक्वल टू देखो कितना हो गया आपका पी बाय क्यू इंटू आर, सिंपल है पी बाय क्यू इंटू आर। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी और क्यू के आपके रेजिस्टेंस है, इसकी हमको वैल्यू निकालना है, आर हमको गिवन है। अब ध्यान से देखो उसने क्या बोला कि रेजिस्टेंस क्या आपका 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। तो जब मैं पी की बात करूंगा तो देखो पी किसका रेजिस्टेंस है, पी है आपका 120 सेंटीमीटर का, तो एक सेंटीमीटर का अगर रेजिस्टेंस है 0.01, ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 120, तो 120 का जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आ रहा है आपका 1.2 ओम, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हम क्यू की बात करें तो देखिए क्यू कितना है यहां पर 80, तो 0.01 इंटू 80 अगर हम करते हैं तो ये कितना निकल कर आ रहा है आपका 0.8 ओम, सिंपल। नाउ वैल्यू को पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो पी की वैल्यू हो गई 1.2 अपॉन में 0.8 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, ये पॉइंट से देखिए पॉइंट है तो 12/8 कैंसिल कर देते जरा 4 से, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका कितना 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 ओम। नाउ x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर निकलकर 3 ओम। सेकंड चीज हमको यहाँ पर क्या निकालना है, सेकंड चीज हमको यहाँ पर निकालना है करंट।
कि कितना करंट ये जो सर्किट है वो इस बैटरी से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर काम हमको करना है कि करंट अगर निकालना है तो हमको यहाँ पर क्या लगाना है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ लगाने के लिए हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली चीज तो जब भी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो जिस ब्रांच में से करंट जीरो होता है ना उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक जो करंट जीरो हो रहा है तो चाहे मैं इसको लगाऊं या ना लगाऊं इस सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस होता लेकिन अगर उसके अंदर से करंट जीरो होता तो उसको हम हटा देते। सबसे पहला काम तो हमने क्या करा, इसको यहां से हटा दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कि एक्स और आर किस में आ गए आपके सीरीज में, पी और क्यू आपके क्या आ गए सीरीज में, और इन दोनों का फिर क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक्स की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई, 3 ओम, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला आपका सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 5 ओम। सिमिलरली नीचे जो P और Q है ये भी सीरीज में, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया देखो आपका 2 ओम, ठीक। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, 5 और 2 का। तो 5 और 2 का देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको मैं लिख देता हूं आर इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया आपका 5 × 2 / 5 + 2, तो कितना हो गया देखो 10/7 ओम। 10/7 ओम का यहां पर क्या हो गया आपका इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10/7 है तो हमको करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू कितना होता है आपका V/R, ठीक है ना, ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज देखिए कितना है, वोल्टेज ये सर्किट आपका कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये बैटरी और उसके साथ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिंपल ये लो, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो गया। V कितना है देखो 4 हमने अप्लाई किया अपॉन में, R कितना है आपका 10/7, तो रेसिप्रोकल में जो 7 है नीचे जो 7 है वो मल्टीप्लाई में आ गया, 7 × 4 कितना हुआ 28 अपॉन में 10, तो I की वैल्यू जो कितना आ रहा है 2.8 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर जो टोटल आपका करंट फ्लो होने वाला है वो कितना होने वाला है यहाँ पर 2.8 एम्पियर का जो करंट है वो इसके अंदर फ्लो करेगा। तो देखिए बड़ा ही आसानी से हमने करा, हमें चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, सॉरी मीटर ब्रिज का फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है उसको लगाकर मीटर ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन जो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ और वीडियो के अंदर तुम कुछ अच्छे से क्वेश्चन मीटर ब्रिज के और देखने वाले, ठीक है। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।